Hello students, let's see this question. Here we have the sum of two numbers is 8 and their reciprocal is 8 by 15. So, humne numbers le liya beta, x and y. Let the numbers be x and y. So, inka jo sum hai beta, wo kitna hai? 8. Aur inka reciprocal, matlab 1 upon x plus 1 upon y hai 8 by 15. तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा xy lcm y plus x is equals to 8 by 15 ठीक है तो यहां से अगर हम देखेंगे x plus y कितना है बेटा 8 by 15 कैंसिल आउट हो गया यहां पे लिख देते हैं as x plus y is equals to क्या है 8 ठीक है xy कितना आ गया 15 x into y है x plus y है हम x minus y find कर सकते हैं बेटा क्या होगा under root of x plus y का square minus 4xy ये क्या है बेटा 8 ये क्या है 4 xy कितना है 15 8 are 64 minus 15 4 are 60 कितना आ गया 4 तो बेटा x minus y जो हमें मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा plus minus ठीक है अब अगर हम देखें हमें नंबर्स फाइंड करने हैं है ना तो हमारे पास क्या नंबर्स मिल जाएंगे x minus y एक बार हमने ले लिया 2 x plus y बेटा क्या है हमारे पास 8 इनको ऐड कर दें अगर हम 2x is equals to 10 तो x आ गया हमारे पास 5 x 5 है बेटा तो y कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर y अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू देखो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे x अगर है 5 तो y मिल जाएगा 3 अगर हमने ले लिया बेटा x minus y is equals to minus 2 तो x plus y था बेटा 8 cancel out हुआ 2x is equals to 6 x is equals to 3 x 3 है तो बेटा y कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 5 y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8 minus 3 मतलब 5 तो नंबर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 3 एंड 5 ही आ रहे हैं है ना इस केस में 3 x 3 है y 5 है उस केस में x 5 है y 3 है ठीक है तो बेसिकली हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं बेटा 3 एंड 5 ठीक है आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू